भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गंगा दशहरा यानी गंगा दशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। गंगा मैया का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, उन्नति करें तथा प्रगति करें। गंगा दशहरा जिसे गंगा दशमी कहा जाता है, जो कि इस बार 20 जून 2021 रविवार के दिन गंगा दशहरा का महापर्व मनाया जाएगा और गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है, उनकी आरती की जाती है, उनका उत्सव किया जाता है। इसके अलावा गंगा जी के किनारे पर जो भी जरूरतमंद लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनको भोजन आदि दान पुण्य किया जाता है। गंगा दशमी का जो दिन होता है जिसे गंगा दशहरा कहा जाता है, वो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है और गंगा दशहरा प्रत्येक शुभ कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। यदि आप इस दिन कोई भी शुभ या मंगल कार्य करते हैं तो वह अति उत्तम रहेगा। जैसे नया वाहन खरीदना या फिर नई भूमि का पूजन करना या फिर नए घर में प्रवेश करना या फिर आप कोई भी शुभ या मंगल कार्य करना चाहते हैं तो गंगा दशमी अपने आप में एक श्रेष्ठ मुहूर्त है। और 20 जून 2021 रविवार के दिन गंगा दशहरा का महापर्व मनाया जाएगा। गंगा दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठना चाहिए और गंगा जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जो मनुष्य गंगा जी में जाकर के स्नान करता है उसकी 101 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। यदि गंगा जी जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में ही गंगा जल से स्नान वो कर सकते हैं और इस दिन गंगा जी का पूजन अर्चन अपने घर में करें तथा विशेष रूप से गंगा जी को नैवेद्यम अर्पित करें और उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें और गंगा दशहरा की कथा भी सुनना चाहिए। क्योंकि गंगा जी का जो प्रागट्य हुआ है वह स्वर्ग लोक से हुआ है। भगवान नारायण के चरणों से सर्वप्रथम गंगा जी का प्रागट्य हुआ है, उसके बाद गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल के माध्यम से और शंकर जी के जटाओं के माध्यम से पृथ्वी पर आई है। और गंगा जी जब पृथ्वी पर आई थी तो उस दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी और इसीलिए गंगा दशहरा का महापर्व इसी दिन मनाया जाता है। गंगा जी का जो प्रागट्य दिवस है वह गंगा दशहरा है। इस दिन गंगा दशमी की कथा सुनने से ब्रह्मा विष्णु महेश का भरपूर आशीर्वाद जीवन पर सदैव बना रहेगा। इसके अलावा आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट का भी समाधान भगवान अवश्य ही निकाल देंगे और आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। क्योंकि गंगा दशमी की जो कथा का श्रवण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। जब उसके पुण्यों का उदय होता है तो उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो अब हम आपको गंगा दशहरा की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयुर्महेन्द्र तनया चरमणवती वैदिका क्षिप्रा वैत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्ण पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्यात् सदा मंगलम। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। एक समय की बात है, महाराजा सगर ने एक बड़ा यज्ञ किया था। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञी अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था,
परिणाम वश अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर के अश्व को खोजना प्रारंभ कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर वह घोड़ा कहीं पर भी नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का वह अश्व जो घोड़ा था वह घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देख करके चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपनी आग्ने नेत्र खोले त्यों ही सारी प्रजा जल करके भस्म हो गई और सगर के 60,000 पुत्र वहीं पर राख के ढेर बन गए। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए महाराजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया। उसके पहले उनके पूर्वज तपस्या कर चुके थे। चूंकि गंगा जी को लाने का श्रेय राजा भागीरथ को ही प्राप्त होना था इसलिए भागीरथ ने कठोर तपस्या करके गंगा माता को प्रसन्न किया। राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो राजा भागीरथ ने गंगा जी की मांग उनसे की। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि राजन तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी। मेरा विचार है कि गंगा जी के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए उनसे प्रथम निवेदन कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा जी की धाराओं को अपनी जटाओं में बांध लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भागीरथ को और अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। तब कहीं जाकर के भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूट करके गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ पड़ी और जैसे ही पृथ्वी पर गंगा जी का आगमन होने लगा गंगा जी ने देखा कि सप्त ऋषि तपस्या कर रहे हैं तो उन्होंने विचार किया कि मैं यदि सप्त ऋषि के ऊपर से निकल जाऊंगी तो यह बह जाएंगे और इनकी तपस्या भंग हो जाएगी इसलिए गंगा जी उन सात ऋषियों के बीच बीच से निकल गई। इसीलिए हरिद्वार में आज भी सप्त गंगा यानी सात धाराओं के रूप में गंगा माता परिवर्तित हो गई। तो इस प्रकार गंगा जी भागीरथ की तपस्या के कारण ही जो है पृथ्वी पर आई और भागीरथ की तपस्या के कारण जो है गंगा को भागीरथी कहा गया। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगो युगो तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मित्र की जीवन दायिनी है और गंगा मैया है। गंगा मैया जो है पावन है पुण्यमयी है। चूंकि गंगा मैया जब पृथ्वी पर आने वाली थी तब उन्होंने राजा भागीरथ से यह कहा था कि मैं जब पृथ्वी पर आऊंगी तो लोग मुझ में आकर के स्नान करके अपने पाप को धोएंगे क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे पाप समाहित हो जाएंगे तो मैं अपने पापों को किस प्रकार से जो है पवित्र कर पाऊंगी उनको कैसे धो पाऊंगी। तो राजा भागीरथ ने जो है निवेदन किया था कि हे प्रभो इस प्रकार कोई उपाय आप भी करिए। तो प्रभो ने जो है समस्त साधु संतों से निवेदन किया कि आप निरंतर अपनी तपस्या करने के पहले गंगा जी में स्नान अवश्य करना इसलिए गंगा तट पर सबसे अधिक साधु संत निवास करते हैं और कुंभ का मेला भी गंगा तट पर लगता है और वहां पर सारे साधु संत आकर के स्नान करते हैं और उसमें जो है अपने सारे पुण्य वो छोड़ देते हैं और गंगा जी में जो मनुष्य अपने पापों को छोड़ करके आते हैं उनको जला करके साधु संतों के जो पुण्य होते हैं वो भस्म कर देते हैं। इस प्रकार गंगा जी महान पुण्यदायी है गंगा मैया है। हमारा सभी का कर्तव्य बनता है कि हम सब गंगा जी की रक्षा करें। वर्तमान समय में देखा जाए तो गंगा जी में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है
गंगा के किनारों पर कई प्रकार की जो है प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां बन चुकी है और गंदे गंदे नाले भी गंगा जी में मिल करके गंगा जी को अपवित्र कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। तो हम सभी का कर्तव्य है, प्राणी मात्र का कर्तव्य है, इसमें कोई धर्म विशेष की बात नहीं है, हम सभी प्राणी मात्र का कर्तव्य है कि हम सभी गंगा जी की रक्षा करें। गंगा जी की जब रक्षा होगी तो जीवन की रक्षा होगी, मनुष्य की रक्षा होगी, क्योंकि गंगा जी जीवन दायिनी है। गंगा जी जब पृथ्वी पर रहेगी तो हम सभी का कल्याण होगा और हमें गंगा जी का भरपूर आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहेगा। और यदि गंगा जी को हम मैली कर देंगे, गंदी कर देंगे, प्रदूषित कर देंगे तो गंगा जी रुष्ट होकर के पृथ्वी से चली आएगी। इसलिए आप सभी से हम अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सभी गंगा जी में कभी भी प्रदूषण न फैलाएं, साबुन से वहां पर स्नान न करें और गंदी वस्तुएं गंगा जी में प्रवाहित न करें तथा गंदे नाले भी गंगा जी में न जाने दें और गंगा जी के किनारों पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी न फैलाए और प्रयास करें कि गंगा के किनारे जो भी फैक्ट्रियां हैं जो प्रदूषण फैलाती है उनको भी वहां से हटाने का प्रबंध करें। इस प्रकार हम सब मिलकर के शपथ ग्रहण करें गंगा दशमी के अवसर पर कि हम सभी मिलकर के गंगा जी की रक्षा करेंगे और उनके कल्याण के विषय में सोचेंगे तो निश्चय ही माँ गंगा का भरपूर आशीर्वाद हमें अवश्य ही प्राप्त होगा और जनमानस का कल्याण होता रहेगा। बोलिए गंगा माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भोलेश्वर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी को हमने गंगा दशहरा यानी गंगा दशमी की दिव्य कथा सुनाई है। आप यदि कथा के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, अन्न दान देना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं या कोई भी दान यदि गंगा दशहरा या गंगा दशमी के निमित्त यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारी पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुँचा करके गंगा दशहरा यानी गंगा दशमी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।